सो गाइस, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बसी स्पीति वैली को, जो कि मिडल लैंड है तिब्बत एंड इंडिया के बीच। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो स्पीति वैली एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि जितने सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा एडवेंचरस है यहाँ के रास्ते। एंड वैसे तो स्पीति वैली एक्सप्लोर करने के लिए कुछ लोग मनाली की तरफ से अपना रास्ता शुरू करते हैं और कुछ लोग शिमला की साइड से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, और फिर कुछ लोग आते हैं हमारी तरह जिन्हें एडवेंचर हद से ज़्यादा पसंद होता है, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं शिमला से मनाली तक का। एंड इस स्पीति वैली की जर्नी में काजा से मनाली के बीच पड़ती है एक बहुत ही सुंदर और मिस्टीरियस जगह जिसका नाम है चंद्रताल लेक, जिसे मून लेक के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि ये लेक दिन में 7 बार अपना कलर चेंज करती है एंड इसकी गहराई का आज तक किसी को कुछ नहीं पता। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने काजा से की मोनेस्ट्री होते हुए चीचम ब्रिज तक अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी, एंड अब इस वीडियो में चीचम ब्रिज से आगे लोसर विलेज होते हुए और कुंजुम पास को पार करके चंद्रताल तक की अपनी जर्नी हम कंप्लीट करेंगे एंड आप सभी के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे कुदरत की इस अद्भुत और सुंदर सी जगह को जिसका नाम है चंद्रताल लेक। एंड गाइज, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितनी सुंदर ये जगह है ना, उससे कहीं ज़्यादा टफ है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो आइए कंप्लीट करते हैं अपनी जर्नी एंड एक्सप्लोर करते हैं आप सभी के साथ मिलके चंद्रताल लेक को। रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा भाई साहब, पूरी बर्फ। हिम्मत चाहिए आंटी, हिम्मत। रास्ते तो फट गई थी भाई। निकाल 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 निकाल। अबे आगे बड़ा वाला पत्थर आ गया। तो गाइस, हम लोग चीचम से निकल गए थे, अभी हम जा रहे हैं चंद्रताल की तरफ और लोसर पड़ता है विलेज बीच में, फिर चंद्रताल आएगा। भाई स्पीति वैली की ना एक अलग ही ब्यूटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। मतलब मैंने जब गाड़ी रोकी अभी देखा व्यू सबके ना, ऐसा लगा ओ भाई ये क्या है, एक नंबर व्यू भाई। और ये जगह है ना चंद्रताल का, जो मतलब ये रूट पड़ता है, विंटर्स में कट हो जाता है ये। विंटर स्पीति लोग करते हैं शिमला से जाते हैं, शिमला से एग्जिट कर लेते हैं। अगर आपको स्पीति लेवल का पूरा सर्किट करना है स्पीति का अपना, तो आप ये सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक में बंद हो जाएगा पूरा। हम इसलिए सितंबर में आए, हमें पूरा सर्किट कवर करना था, इसीलिए तो आए थे इसी नज़ारे के लिए भाई। अभी तो बेहतरीन है चंद्रताल, बहुत ज़बरदस्त। लग रहा भाई एक नंबर। तो भाई देख रहे हो ना कितना ज़बरदस्त है ये, मतलब जो स्पीति वैली है ना, इसमें पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो इस साइड का पोर्शन है चंद्रताल वाला, इसे सबसे ज़्यादा एडवेंचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ऑफ रोडिंग की वजह से। बिकॉज सारा कच्चा रास्ता है, ऊपर से पत्थर भी हैं, और अपनी गाड़ी का थोड़ा ग्राउंड स्पेस जो नीचे का स्पेस है थोड़ा कम है, तो थोड़ा और ध्यान से चलानी पड़ रही है। एडवेंचर तो है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, फुल ऑन एडवेंचर है, बट भाई थोड़ा सेफ्टी भी ज़रूरी है। मज़ा तो आ रहा है, आप देखो आगे जरा क्या मतलब रोड है सामने, और उसमें वाटर क्रॉसिंग वगैरह भी आएंगे बीच में। 21 पता नहीं ज्यादा, 21 बताए थे ना, 21 अभी सारी जो रोड जा रही है ये आपको मतलब मनाली का रूट है ना चंद्रताल पार करके, वो पूरा सारा ऐसे मिलेगा, इससे बेकार ही होता जाएगा। तो गाइस अभी हम पहुंचे कुंजुम टॉप पे, और भाई ठंड ठंड बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अभी जैकेट निकालता हूँ, और रोड देखो एकदम ऑफ रोडिंग है इधर भी, एंड पीछे का व्यू उधर ऐसा है, और इधर बोर्ड है, मैं अभी गाड़ी से उतरा जस्ट आपको बोर्ड दिखाया। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माता का मंदिर है, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि कृपया माता के मंदिर से परिक्रमा करके ही जाएं। तो अपने पीछे क्या है उधर देखो, मतलब यहाँ से रास्ता है उधर, वह मंदिर है, वहाँ से लेके जाएंगे गाड़ी, परिक्रमा करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे।
पहले हम पैदल परिक्रमा कर रहे थे यहाँ पे कुंज माता का मंदिर है, बट हमने सोचा की चलो गाड़ी में कर लेते हैं, बिकॉज इस ट्रिप पे हम चार बंदे तो है, बट मैं ऐसा मतलब हमने सोचा की पांचवा ये भी एक तरह से मेम्बर ही है भाई, क्योंकि ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, रास्ता ऐसा है थोड़ा डेंजरस है, तो परिक्रमा हम पांचों करेंगे साथ में, चार हम पांचवी गाड़ी। देखो परिक्रमा आप आगे क्लॉकवाइज कर ले दो। जय माता दी, जय माता दी, जय कुंजम माता की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बदन फ्लैग्स लगे हैं सारे, दिन में आते तो और अच्छा और सुंदर लगता है यहाँ पे ना, उजाले में आते तो और सुंदर लगता है, थोड़ा अंदर भी होगा सकता है। माता दी ओके भाई, भाई अब टाइम हो गया 6:47 और अंधेरा बस ऑलमोस्ट हो ही गया, रोड बहुत खराब है, 20 किलोमीटर के आसपास अभी रास्ता और बचा है, इसके बाद सीधा चंद्रताल निकालते हैं गाड़ी फटाफट, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा, अंधेरा हो गया तो और दिक्कत हो रहेगी, फटाफट निकलते चंद्रताल, चंद्रताल वी आर कमिंग। जय माता दी। देखियो देखियो कितना गहरा, देख वो बताएगा टायर आ जाएगा नहीं आएगा, कितना गहरा चेक करके चला रहा पूरा, इतना डूबा है। हाँ टायर आ जाएगा वैसे तो, आजा देख लेते चल चलते हैं। चलो भाई देख के जाएगी। जय माता दी। चलो मेन वाला पत्थर के ऊपर है ना टायर। चलो हो गया हो गया, बस पूरा ही ऐसा आ गया भाई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। इधर मेरी तरफ मोड़ो, उधर की तरफ पत्थर है। अबे आगे बड़ा वाला पत्थर आ गया। आराम से क्लच की मैं खा रही है भाई, बड़ी गंदी। सो गाइज हम लोग रात को पहुंचे थे यहाँ पे 9 बजे के आसपास, डिनर करके सो गए थे, बहुत ठंड थी, अभी इस मॉर्निंग बाहर निकले और बर्फ देखो गाड़ी के ऊपर पूरी बर्फ, बहुत ज़बरदस्त ठंड है यार। गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी थोड़ी देर के लिए भाई, मैं ये बोलूँगा स्पीति वैली अलग चंद्रताल अलग, इतना ईजी नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं लोग और कह देते स्किप टू द गुड पार्ट, भाई कहने की बात है स्किप टू द गुड पार्ट, इतना ईजी नहीं है, लग गई दिल्ली की लैंग्वेज बोलूँ ना, एक बार को तो फट गई थी भाई। और अभी असली एडवेंचर तो आज होगा जो मेन चंद्रताल से मनाली का, अभी पहले थोड़ा चंद्रताल लेक दिखाएंगे जाएंगे और उसके बाद मनाली जाएंगे, वो और नेक्स्ट लेवल है। देख रहे हो भाई क्या हाल है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ये बर्फ तो ये चीज़ है, देख के आओ, एडवेंचर तो है, अगर एडवेंचर कर सकते हो झेल सकते हो तो आओ, बढ़िया जगह ऐसे तो, नज़ारा सुंदर है। सो गाइस कैंप से हम लोग निकल गए हैं और कैंप जो बने हुए नीचे, इससे ऊपर 3 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ी जाती है वहाँ तक, उसके बाद 1 किलोमीटर का ट्रैक है लेक तक, और ऐसा लग रहा है जहाँ पे हमने ड्राइविंग छोड़ी थी अपनी वहीं से स्टार्ट करी है, वही यार खराब रोड, इतने क्लच से तो पैर हट ही नहीं पा रहा भाई, सब एक नंबर है यार, देखो गाड़ी का डोल रही है इसलिए देनी पड़ रही है। बस भैया कैसा लग रहा है आप बताओ, आप बड़ी रात तो आप सोए पड़े थे। ये होगी ना पार्किंग यहाँ पे गाड़ी खड़ी का, गाड़ी ज्यादा नहीं है तो कमी है। सो गाइस गाड़ी हमने वहाँ पीछे पार्क कर दी है एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक है लेक तक जाने का, लेट्स गो एंड फिर करेंगे हम भी कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट रील्स की तरह, बट ब्यूटीफुल है भाई, देखो व्यू बहुत शानदार है। चलो चलते हैं चंद्रताल लेक, फाइनली पहुंच गए।
भैया लेके भी कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, शाम को भी गए थे हम तो, पर लेकिन इस टाइम पे व्यू जो है वो बेस्ट। क्रिस्टल क्लियर वाटर है। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच चंद्रता लेक और धूप बहुत तेज़ है, आँख नहीं खुल पा रही है। पीछे देखो व्यू, ये लेक दिन में 7 बार अपना कलर चेंज करती है और ये एक रिलीजियस प्लेस भी है एंड जो मान्यता है उनके अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे फेरीज बुद्धिज्म के जो अंदर है कि फेरीज होती हैं परियाँ, वो यहाँ पे आके मतलब स्पेशल ओकेजन्स पे मतलब बात लेती हैं एंड उनसे रिलेटेड ये लेक है। और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनसे रिलेटेड जगह है। व्यू बहुत शानदार है देखिए पूरा, और लेक भी एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे बोट्स लगी हुई, वार्निंग लगी हुई कि भाई ये बहुत गहरी लेक है, मतलब इसकी कितनी गहराई है किसी को नहीं पता अभी तक। यहाँ स्विमिंग ना करें और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और यार रिलीजियस प्लेस है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग यार आते हैं ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनका हमें थोड़ा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतनी सुंदरता यार, इसे मेंटेन करके रखना चाहिए ना। क्या जगह है, क्या व्यू दिखाता हूँ आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, हैव अ लुक। सो गाइज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए हैं सारे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे सामने लेक है एंड देखो ये जो माउंटेन्स है साइड में, इनकी रिफ्लेक्शन आ रही है मतलब अभी, और देखो बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार। देखो पास से दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसा लगा आंटी आपको ये, आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, यही भगवान है ना, देखो नजारा इतना सुंदर। फर्स्ट टाइम आए हो ना आप भी? हाँ, एक ही बार जिंदगी में आना होता, कौन बार बार आ सकता है बोलो। आप लोग आ सकते हो, यंग हो ना, 3-4 बार। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल से है ना? हाँ वेस्ट बंगाल से। काफी लंबा पड़ा होगा आपको तो रूट। हाँ हाँ, फिर भी पूरा हम वो करते करते आए ना, पूरा हिमाचल। ट्रैवल फ्री को, ट्रैवल पसंद आपको, ट्रैवलिंग? हाँ, शिमला से सारण, सारण से सांगला, छीटकुल, कल्पा, ताबो, नाको, ताल में उन्होंने पानी पिया बैठा, ये सब महाभारत में है। पांडव युधिष्ठिर। हाँ। अच्छा वो तो धर्मराज युधिष्ठिर उनको पता है मेरे को। और ये बुद्धिज्म में कहते हैं कि परिया की लेक है ये, परिया यहाँ पे मतलब आती है, इसका स्वर्ग होता है। देखो ना क्या नजारे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कैमरे में कितनी गहरी है, मतलब यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है लेक का, यहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद दिखना बंद हो रहा है कितनी गहरी है, किस कुछ नहीं पता मतलब, लेकिन पानी बहुत क्लियर है भाई। रिफ्लेक्शन जो आ रही है बहुत सुंदर लग रही है माउंटेन्स की, एक नंबर भाई। सो गाइस चंद्रताल लेक एक रिलीजियस लेक मानी जाती है एंड बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग स्पेशल ओकेजन्स पर आज भी रात के टाइम यहाँ पर परियाँ आती हैं एंड इसीलिए रात के टाइम यहाँ पर कोई भी विजिट नहीं करता। सो गाइस होप करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे बिना मत जाना एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चंद्रताल के पास आप किस तरह स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर कैंपिंग के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड साथ ही हम कंप्लीट करेंगे अपनी जर्नी चंद्रताल टू मनाली की, जो कि वन ऑफ दी वर्ल्ड्स डेडलीस्ट एंड डेंजरस रोड्स में से एक है एंड पर्सनली मेरा भी अब तक का सबसे एडवेंचरस ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एडवेंचर के सारे लेवल्स पार होने वाले हैं। और वो यहाँ आके लगी है, यहाँ पे मतलब घुटने तक पानी, यहाँ तक पानी है। एडवेंचर बढ़ता जा रहा है यार, अब लग रहा है कि बस यार और एडवेंचर नहीं चाहिए, बहुत हो गया भाई।